हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉलबिट को कॉपी करने के बाद कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और कैसे का यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर में चलते हैं। आपको पहले ही नंबर पे यहाँ पे डॉलबिट यहाँ पे दिखाई देने वाला है और इसका दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि मैं इसके अंदर यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ आपको दिखाई देगा दोस्तों $33 यहाँ पर जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बताया गया है। लेकिन दोस्तों जब मैंने दो दिन पहले वीडियो बनाया था तब ये $25 था और अभी जो है यहाँ पे $33 यहाँ पर यानी बढ़ चुका है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ नीचे में और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर कि कोई भी आपको फ्लोटिंग प्रॉफिट इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो कोई भी फ्लोटिंग प्रॉफिट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इसकी ट्रेड की, तो हम लोग देखेंगे कि 12 तारीख की ट्रेड ओपन में गई और एक जो है 11 से 12 के बीच में इसने क्लोज में गई। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, ये स्टॉप लॉस का यूज़ करता है। स्टॉप लॉस का यूज़ करने से क्या होता है दोस्तों कि अपना जो लॉस है वो एकदम कम होता है और जितना आपने सोच के रखे उतना ही यहाँ पर होता है। अगर उतना नहीं गया तो, अगर वो जो शेयर है जो भी है वो अगर नहीं गई तो अपना जो है लॉस वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये स्टॉप लॉस का यूज़ कर रहा है। तो अपने आप जो है, जो अगर ट्रेड अगर ज़्यादा ही माइनस में जा रही है तो हमारा पैसा यहाँ पर सेव हो सकता है। तो डॉलबिट बहुत अच्छा यहाँ पर जो है डिसीजन ले रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, पूरे पॉजिटिव में ट्रेड है और कोई कोई ट्रेड है, जैसे एक ट्रेड इसकी बात करता हूँ मैं, ये देखो एक ट्रेड ये है, ये भी अपने पास स्टॉप लॉस से अपने आप ये क्लोज हो गई है। लेकिन $4 का यहाँ पे लॉस हुआ, लेकिन ऊपर के पूरे मिला के दोस्तों ये कवर हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि डॉलबिट को आप कॉपी कर सकते हैं। पहले इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 था, अभी 33 हो गया है। तो 25 से जिसने भी कॉपी किया है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, 33 वाले भी आज जो है इनको कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको नए वीडियो के साथ मैं मिलूंगा दोस्तों, और इसका क्या क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है पूरा बताऊंगा और नए मास्टर के बारे में पूरा आपको बताने वाला हो। और इसका जो वीकली टारगेट इसने 12 बोला है वो मैक्सिमम ऐसा बोल सकते हैं कि अचीव हो जाएगा है 12 के हिसाब से। और अगर आप इसको 2x करोगे तो बहुत अच्छी बात है, 3x करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने रिस्क पे इसको करना पड़ेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए वीडियो के साथ में, नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक्स।